अपनी जरा सी वाहवाही के लिए नेता कोरोना संक्रमण काल में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इंदौर के कमला नेहरू धर्मशाला के पीछे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाने के लिए भीड़ जुटा ली। कार्यक्रम में जरूरतमंदों को राशन वितरण भी किया गया। इस दौरान न शारीरिक दूरी का पालन किया गया और न सैनिटाइजर का उपयोग, न ही सबके चेहरे पर मास्क नजर आए। जिनको नियमों का पालन करवाना चाहिए था वे ही नियम तोड़वाने में लगे हैं। इंदौर में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने भीड़ तो जुटा ली लेकिन वे उसे काबू नहीं कर पाए। कोरोना संक्रमण काल में ये दृश्य बताते हैं हमारे नेता लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं समझते। प्रशासन द्वारा कोविड नियंत्रण के लिए बनाए गए जिला आपदा प्रबंध समूह में पूर्व विधायक गुप्ता सदस्य भी हैं और समूह की बैठकों में लगातार उपस्थित भी होते हैं। इसके बावजूद गुप्ता द्वारा की गई इस लापरवाही पर सवाल उठना लाजमी है। इस भीड़ को देखेंगे तो साफ नजर आता है इसमें गलती इन लोगों को जमा करने वालों की ही है। इस मामले में गुप्ता ने सफाई दी है कि ये कार्यक्रम कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से रखा गया था। राशन वितरण के लिए हमने टोकन बंटवाए थे और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए गोले बनाकर चार चार फीट की दूरी पर सबको खड़ा कराया था। उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। कुछ देर के लिए अव्यवस्था हुई। भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने हम इसका ध्यान रखेंगे। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने खाद्यान्न सामग्री का वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया था। वहां पर उसमें पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। चार चार फुट की दूरी पे गोल घेरे बनाए गए थे और नागरिकों को टोकन वितरण किया गया था। वो टोकन वितरण के अनुसार खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। बीच में कुछ नागरिक जिनके पास टोकन नहीं थे वो बीच में आए, उसके कारण अव्यवस्था हुई थी जिसे हमारे कार्यकर्ताओं ने नियंत्रित कर लिया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद मैं चला गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया। फिर भी थोड़ी देर के लिए जो अव्यवस्था हुई उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। भविष्य में यह परिस्थिति वापस न हो उसको हम सुनिश्चित करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।